अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आज है फोर्थ रोज़ा। आप सबको फोर्थ रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। और हो गई है सहरी, रात भर नहीं सो पाई बिकॉज अनाया को सुलाते सुलाते ही बहुत लेट हो गया। उसके बाद फिर मैंने व्लॉग एडिट किया, फिर जो थर्ड रोज़े का है वो व्लॉग अभी अभी अपलोड किया है 3:30 बजे, आप लोग ज़रूर चेकआउट कीजिए। और फिर अब जो है मैंने फिर से फोर्थ रोज़े का व्लॉग स्टार्ट किया है। अब है सहरी टाइम और मैं जा रही हूँ पराठे बनाने। एज़ यूजुअल वही होता है, जो रोज़ वही रूटीन हो गया है। तो फिर चलते, हमारी मैडम यहाँ पर उठ के बैठी है, तहज्जुद की नमाज पढ़ी है, उसको भी थोड़ा इंस्पिरेशन मिल रहा है मेरे से, है ना जॉनी? आजा। वालेकुम सलाम। मुझे तो इतनी ज़्यादा खुशी हो गई है ना, अलार्म बजते ही उठ गई मैडम और तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी नवाजू करके, तो बाप रे। समझ सकते हो आप, अगर माँ हो तो आप समझ सकते हो बच्चे अगर ऐसे करते हैं तो कितनी खुशी मिलती है। नमाज़ पढ़ते हैं, बात सुनते हैं, और ये मेरी बच्ची सब सुनती है माशाल्लाह। अब नींद भी आ रही है, पता नहीं स्कूल में क्या होगा। कुछ नहीं होगा, ठीक है, रोज़ा रख के जा रही हो ना तो अल्लाह तुमको अब सब्र देंगे, ठीक है। अब क्या करना है? रोटी बनाना है, अंडा बनाना है। अंडा ही खा रही हो रोज़? वो ड्रिंक नहीं पी रही है, मैंने तो पाउडर भी बना के रखी हूँ, लेकिन अभी कैसे ना स्कूल वगैरह है तो फिर वो बोलती है कि ड्रिंक से नहीं होता है, पेट नहीं भरता है, तो फिर इसलिए अंडा रोटी बनाते हैं। चलो, ये आज क्या हो गया? रोटी बना। किस खुशी में तुम रोटी बना रही? मुझे हटा दी बीच में से। हाँ, और इतनी चिल्लू पिल्लू रोटी? अरे रुको ना, चिल्लू पिल्लू रोटी अब थोड़ी खाएंगे। अच्छा कुछ करती हो क्या? अरे रोटी जल जाएगी। आज घी है, वाह मस्त मस्त घी, आज तो लत पत रोटी में घी लगा के मैं तुम लोगों को दूंगी, मस्त मजा आ जाएगा। इतने महीनों के बाद रोटी बना रही हूँ। बेटा अपना सहरी का टाइम यहीं पर हो जाएगा। तो सोया इज मेकिंग रोटी जो मैं आई एम नॉट ईटिंग एज एक्सपेक्टेड, नेवर माइंड, खा लूंगी जब हाथ धोकर बनाऊंगी तब। हाथ धोकर ही बनाऊंगी जब मैं देखूंगी तुम हाथ धोई हो तब। आज मैंने देखी नहीं तुमको हाथ धोते वक्त। वाह वाह, और मैं तो रोटी बनाऊंगी। वाह, भरोसा नहीं है? आलस आता है तुमको किचन में? आज थोड़ा एनर्जेटिक हूं। नींद हो गई ना? वाह जोया, मस्त बनाई तुमने रोटी, नॉट बैड एट ऑल। इस साइड से बना तुमने? बस बस बस, जोया की रोटी, फास्ट करो गैस, रुको अभी मत पलटो, जब इस पे थोड़ा थोड़ा वो बबल जाने लग जाएंगे ना। घी यूज़ करो क्या तेल? घी पहले रुको ना, पलटो तो सही। नहीं पहले इधर लगा के फिर पलट। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलता, स्टेप पे ही फुल रही है और क्या चाहिए। हाँ पलटो, रुको मैं पलट के देती, रुको हटो। वाओ जोया, डालो डालो, 2 चम्मच डालो डालो, तुम्हें खाओ। So क्या बात है सोया मैडम। चलो खुद की रोटी या फिर अब्बू को कभी तभी बना के खिला सकती है जब मैं नहीं रहूंगी तो, है ना? क्या ऐसा कुछ नहीं है, अनु को खिला सकती हो तो मिलेंगे। कल को मैं नहीं रहू किसको क्या पता, रहेंगे तुमको ऐसा करके छोड़ के देंगे तुम। अभी अल्लाह की मर्जी है, कभी अल्लाह ने बुला लिया तो फिर ऐसा तो हो जाएगा, ऐसे तो तुमको टेंशन नहीं रहेगा ना कि तुम्हारी माँ ने तुमको सब कुछ सिखाया है। अरे ऐसा मत अल्लाह तुमको लंबी उम्र दे इंशाल्लाह। ऐसी फालतू की बातें करते रहो तुम, और फालतू की क्या बात है, मतलब जाना तो जाना ही है एक दिन, एक ना एक दिन। बट हम तुम्हारे लिए इतनी दुआ करते ना, हड्डियां जवाब दे रहे बेटा,
इसलिए तो मैं बोलती हूँ ना सारी चीजें सीखो, मैं हूँ तब तक सीखो सारी चीजें, और फिर क्या बोलते हैं खुद को वो बनाओ, सेल्फ क्या बोलते हैं उसको, इंडिपेंडेंट, सेल्फ इंडिपेंडेंट। इसलिए मैं सारी चीज़ें तुमको जल्दी जल्दी सिखाना चाहती हूँ, ताकि एटलीस्ट एक दो रोटी तो भी बना के खा लो अपने हाथों से, भूखी तो नहीं रहोगी, है ना। हाँ वो भी बात है, बट नहीं ना। अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपकी बेटी ने रोटी बनाई आपके लिए, ऐसा लग ही नहीं रहा। दिखाओ दिखाओ, तुमने बनाई रोटी, सीधी करो ना उसको, उल्टी रोटी है वो। हाँ वाओ, सो परफेक्ट शेप, बहुत अच्छी बनाई इसने। क्या बात है, सीख गए बेटा तुम तो इधर। हाँ सीख गए, एक बार परफेक्ट बनाई है ना। नहीं अगली बार से हर रोज ये ठीक है। क्या 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 वापस बोलो, क्या बोलो, एक बार परफेक्ट बनाइए ना। हाँ अगली बार से हर रोज बनाना पड़ेगा। अभी तो तुमने परफेक्ट ही बनाया है बेटा, परफेक्ट बनाए बोले तो दिस इज अ बिग अचीवमेंट। मैंने उसको आसान नहीं होता है। मैं चांदराज से बोल रहा हूँ, कैश इफ्तारी के बाद में रात का खाना खाने बाहर जाते, तरावी के बाद में। मुझे बाहर निकलने का दिल ही नहीं कर रहा यार रमजान में। अभी तक के नहीं, निकलूंगी। चार दिन हो गए दुनिया बाहर जाके खाके आ रही। नहीं मुझे ना दो जोया मैं भी खा लेती हूँ, और चाय निकालो बेटा। क्या बोल रहे आप, अरे यार नहीं मन कर रहा, मैं कल से तरावी जाऊंगी इंशाल्लाह, तरावी पढ़ने तो भी बाहर निकलूंगी। हो ही नहीं रहा यार, घर में काम, बच्चे, अनाया, ये सब चीजें, खाना पकाना, बर्तन, काम पसारा। ओनली अनाया, अनाया तुम तो बड़ी हो ना, अभी तुम तो खुद का खुद कर लेते हो। बाहर निकलोगे तो अभी तुमको बाहर की रौनक पता चलेगी, रंगानी। हाँ यार मैं सोच रही हूँ। हाँ इंशाल्लाह, पुणे से लोग आते हैं खास यहाँ पे ये करने के लिए, इतनी फेमस है बोले तो। अच्छा वो छोड़ो, आपके बेटी ने रोटी कैसे बनाई बताओ। जाएंगे जाएंगे इंशाल्लाह, आपके बेटी ने रोटी कैसे बनाई बताओ, अच्छी बनाए ना। नहीं तो मैंने वही बोली कि मैं नहीं रहूँ कभी तो वो खुद बना के भी खा सकती ना, इसलिए सारी चीजें जल्दी जल्दी सिखा रही हूँ। इंसान का क्या भरोसा है, क्या रहे? हाँ, हर माँ बाप का वैसे ही रहता है। हाँ। क्या बाबा मैं हूँ जब तक के करो करके। हाँ। इंसान का क्या भरोसा, वो तो रहता ही है। तो सही बोली ना मैंने, बट अपुन ऐसा होप छोड़ के नहीं बैठते ना। कौन होप छोड़ के बैठा, मैं थोड़ी होप छोड़ के बैठी हूँ। हाँ बाबा बेफिजूल की बातें मत करो, इंसान रमजान में दुआ करता बाबा, उम्र दराज हो, बीमारी से बचे। हाँ बीमारी से तो बचे, अल्लाह मेरे को चलते फिरते उठा ले, मैं तो ये दुआ करती, किसी का मोहताज ना बना और चलते फिरते उठा ले। काफी शोर से गुस्सा हो गए, अब मैं मिलती हूँ सैनी करके, जोया भी गुस्सा हो गई है। तो आज से रूटीन शुरू, आज से रूटीन शुरू, मंडे बच्चे लोग स्कूल। चेप ऑलमोस्ट बच गए, अभी अनु को उठाने का टाइम हो जाएगा। आज मैंने भी बहुत मीटिंग्स लाइन अप है, जाओ उसके स्पोर्ट शूज लेके आने के हैं, तो तुम और जोया ये जाना रिक्शा करके जाओ, और रिक्शा करके फटाफट दोपहर में ही करके मुझे टेलर के पास ड्रेस भी देना है। हाँ तो अच्छा ना, वो भी काम हो जाएगा फिर तुम्हारा। अंकल को फोन करो, उनको बोलो जाने के करके, तो वो तुमको उधर भी लेके जाएगा पीने के। फिर उसके बाद में तुम्हारे को शूज लेने के लिए बाजू में ही है वहाँ पे, वो भी हो जाएगा, टेलर का भी काम हो जाएगा, और फिर आप भी जाइए। टेलर के बाद जाने का बोले तो फिर तरावी का टाइम हो जाता, तो नॉट मच ऑफ अ टाइम, सेफ टाइम, इट्स प्रीशियस। चार दिन हो गए हम लोग ऐसे बैठ के बात नहीं की, आपको कुछ एहसास है क्या? रमजान में ऐसे ही रहता है, नहीं मिलता बात। रमजान में इंसान की लाइफ जो है ना वो दो तीन गुना फास्ट हो जाती है, वक्त इतने जल्दी दौड़ता है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, वही तो दो तीन दिन से हम एक दूसरे से बात नहीं कर पाए ऐसे बैठ के, होता है वही तो बोल रहा हूँ मैं तुमको, वही तो बता रहा हूँ। रमजान में इंसान को रमजान हो या नॉर्मल लाइफ, अपन बैठ के आराम से बात कर पाते। नॉर्मल लाइफ में तो करते ही रहते थे, इतना नहीं करते, कहाँ करते इतना। अभी रमजान का ही देखो तो, अभी सहरी हो गई, सहरी के बाद फजर की नमाज हो गई, उसके बाद में थोड़ा सा ऐसा आधा घंटा लेटेंगे,
उसके बाद फिर अभी आना के लिए तुम आधे घंटे से उठेंगे, उसके टिफिन की तैयारी, उसको उठाएंगे, फिर उसको फ्रेश करेंगे, फिर उसको तैयार करके फिर भेजने का, वो हो गया उसका हो गया। तो फिर उसके बाद में एक घंटा निकला तो फिर मेरा ऑफिस शुरू, फिर मेरा ऑफिस शुरू तो फिर शाम तक दोपहर में अनाया आ जाएगी, वो आ गई, उसका फिर हो गया, फिर मौलाना से पढ़ेगी, ये वो हो गया, सबक हो गया, वो सोएगी, तो उसके एक घंटे के बाद में जोया आ जाएगी, फिर जोया आ गई तो तुम्हारा जोहर ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, तभी आना आए बोले तो तुम्हारा जोहर का टाइम हो जाता, कहाँ टाइम है। फिर जोया आएगी, फिर जोया आने के बाद में फिर तुम्हारी इफ्तारी की तैयारी शुरू हो जाती है, मेरे मीटिंग्स चालू हो गए रहते हैं, फिर इफ्तारी के बाद नमाज पढ़ने के साथ फिर चाय थोड़ी देर पी लेते, उसके बाद 10-15 मिनट ही मिलता, फिर उसके बाद तरावी का टाइम हो जाता। उस टाइम मेरा, मैं भी अपने होश आवाज में नहीं रहती हूँ, नींद आती है। बोले तो हर किसी का ऐसी ही है, रमजान में टाइम ना बहुत मुश्किल होता है निकालना, मिलता ही नहीं है। अभी कैसे निकालते बोले तो कई सारी इबादत करके, अभी तो अभी नमाज हो गई करके, अभी जोया आ रही बाहर करके, अभी तुम बोले बैठो करके 2 मिनट बैठा, वरना तो मैं अभी देखे अभी इनके पास टाइम, मैं निकाल रही हूँ टाइम इनके पास आधे एक घंटे की, आधे आधे। और क्या बात की है देखा आपने, क्या क्या बात की है, यही डेली रूटीन, बच्चे, काम, यही है इनके पास, सिर्फ यही बात है और कोई बात नहीं है। और क्या बात करूँ, बीवी की कोई बात नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ यही, बच्चे, स्कूल, ऑफिस, ये करना है, वो करना है, बस यही बात की आप लोगों के सामने, देख लो ये ऐसी चीज। बीवी की हम क्या बात करें अभी, अल्लाह ने इतना अच्छा, इतनी प्यारी बीवी दी है हमको, तो फिर जरूरत ही नहीं है बोलने के बाद। हाँ देखा आपने, बोलने के बाद जरूरत ही नहीं गिरती है, ये ऐसा नहीं चलेगा, बोलने के बाद ये नहीं चलेगा, चीटिंग है तो। चलो जाओ सो जाओ, मैं भी जाकर सोती नहीं हूँ, अभी जाकर रोटी बनाती हूँ, फिर अनु को उठाती हूँ, फिर वो स्कूल जाएगी, 6 ऑलमोस्ट बज चुके हैं। चलिए अब उठने के बाद ही मिलती हूँ, बोरिंग है, बोरिंग इंसान, जिंदगी बर्बाद हो गया। चलो पूरी दुनिया को मालूम है कितना मैं तुमसे प्यार करता हूँ करके बताने की जरूरत नहीं होती और बोलने की जरूरत। लेकिन मैंने क्यों बिठाई उनको थोड़ी देर के लिए बैठ के, मैं सोची सुकून से हम दोनों बात करेंगे, लेकिन इनका यही है डेली रूटीन, डेली रूटीन, डेली रूटीन, किसी पिटी यही कहानी, हर घर की कहानी, आपके साथ भी यही होता होगा। चलिए मिलती हूँ मैं उठने के बाद, थोड़ा बहुत झलक अनु के स्कूल जाते वक्त दिखाती हूँ और फिर सो जाती हूँ। फिर आज क्या बनाना है वो डिसाइड करूँगी इंशाल्लाह, रोज़ क्या बनाना है कुछ समझ में नहीं आता है। तो शौर जी चले गए सोने के लिए और ये मैडम हो गई है रेडी। वालेकुम सलाम, हो गया था इन 10 मिनट्स। ओके बेबी बाय, मिलते हैं स्कूल जाने के बाद। हाँ तो मैं कह रही थी रुको जो मैं आ रही हूँ, तो मैं कह रही थी कि मजाक मस्ती चलते रहती है हमारी। मुझे पता है कि शौर जी हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते, मोहब्बत करते, वो तो बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस ऐसे ही मजाक कर रही थी, बस माइंड मत करना। बेचारे बहुत थक जाते हैं, ऑफिस का काम, घर, सब सब चीज़ें उन पर इतनी जिम्मेदारियाँ हैं कि उनके पास वक्त ही नहीं होता है, मेरे पास वक्त नहीं होता है, ऐसे हम लोग बैठ कर बात नहीं कर पाते। बट जो लोग भी ये चीज़ ऐसे इस दौर से गुजर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ, थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिए। अब देखिए मैंने ही टाइम निकाल लिया, इतनी थोड़ी कॉन्वर्जेशन होती है ना तो अच्छा भी लगता है और थोड़ा हंसी मजाक भी हो जाती है तो अच्छा लगता है। तो ऐसे ही कभी कभार टाइम निकाल लीजिए। मैंने भी आज सोचा कि आज इनको बिठाती हूँ एटलीस्ट 10-15 मिनट, तो अच्छे से हमने बात की और फिर लग जाते हैं डेली रूटीन पे। अनु के लिए अभी बस रोटी बनाने जा रही हूँ और फिर उसको उठाते हैं, मैडम को रेडी करते हैं चिटुकली को, और वो आज स्कूल जाएगी। वो तो मम्मा स्कूल जाना है बेबी, ये चिटुकली शनी, अनु चलो चलो स्कूल जाना है, मम्मा आके सो, चलो अनु चलो जल्दी घटम उठो मेरा अच्छा बच्चा, उठो चलो स्कूल जाना है मम्मा। खत्म, सैटरडे संडे की छुट्टी खत्म, फिनिश। हाफिज मेरी जान। अस्सलाम वालेकुम, तो हो गई है
दोपहर, मॉर्निंग तो नहीं बोल सकती हूँ, दोपहर ही हो गई है। और अब जो है मैं रेडी हो गई हूँ और जा रही हूँ जो है मैडम के साथ उसके यूनिफॉर्म ना लैब कोट और शूज़ लेने के लिए। इतना धूप में जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है, बट क्या कर सकते हैं, शौर जी देख सकते हैं आप ऑफिस का काम कर रहे हैं, सो गई है और फिर मुझे तो जाना है ही। इसके साथ तो ऑटो में जाते हैं, वैसे भी वो ऑटो वाले भैया हमारे पहचान के ये, तो वो बेचारे सब जगह लेकर जाते हैं और कहीं पे भी स्टॉप करो तो स्टॉप कराते, बस थोड़ी देर पहले उनको कॉल करो तो वो बेचारे आ जाते। तो बस उनके साथ अभी निकलते हैं, मुझे ना 2-3 ड्रेस भी देना था स्टिचिंग के लिए सूट्स, तो वो भी देते हैं फिर चलते हैं। कैसा जा रहा है रोज़ा? रोज़ा अच्छा जा रहा है, नींद बहुत आ रही है। अभी तुम क्या करो, इफ्तारी करो और नमाज पढ़ो और सो जाओ। चलिए चलते। और ये रही निशा मैडम जो कि, और उसके मम्मी जो कि बर्तन बहुत अच्छे से धोते हैं, देख लीजिए किचन कितना क्लीन किए हैं और निशा ने मेरा घर कितना साफ कर दिया है। थैंक यू सो मच, हाय कर दो सबको। चलो मैं आती हूँ, ठीक है? चलो तुम लोग का हो गया काम, चलो मैं खुद देखता हूँ। अच्छा मैं बोला हाँ। जोया बहुत अच्छी थी इसके ऊपर। जोया बहुत फेमस है। फेमस बोला तो बहुत। चलो अभी हम निकलते हैं, ठीक है? इफ्तारी से पहले आना है, अभी तुम सो जाओ बेटा थोड़ी देर। क्या क्या लेना है अभी बता दो, शूज जो भी है स्कूल की सब चीजें सब ले लो और एक्स्ट्रा एक एक स्पेयर में रखो, ठीक है? थैंक यू बेबी बैग उठाने के लिए, अब्बू भी मुझे उठाने नहीं देते। चलो अंकल रुके, बैठ जाओ। ये क्या है? अखा। ये पूरा 100 रुपए का है, ये 8 है, ये अच्छा है, दोनों अच्छे है। फाइनली पहुंच चुके हैं घर, पहुंच गए हैं। जोया तो पूरी ऐसी हो गई है, अभी कुछ एनर्जी नहीं है मेरे, बस थोड़ा सा लेट हो फिर नसर की नमाज पढ़ो, हो जाएगा टाइम, ठीक है? मैं फटाफट आज तेज आलू बनाती हूँ, जो भी है देखती हूँ, जैसे भी आपको बताती हूँ। फिर से गड़बड़ शौर जी, फिर से गड़बड़ क्या करूँ ऐसी रहता है, क्या करेंगे? फिर थोड़ा सा फ्रेश हो गई, नमाज पढ़े, जोया तो नमाज पढ़ के वहीं पे वही लुढ़क गई है, सुबह स्कूल गई थी ना, तो फिर फटाफट अभी कलिंगड़ कट करती हूँ, फ्रिज में रखती हूँ। और फिर मैं आपको आलू की रेसिपी बताती हूँ। मैंने आलू को बॉईल करके उसके छिलके उतार दिए हैं, छोटे आलू ले सकते हैं, नॉर्मल आलू ले सकते हैं, उसे कट करके बना सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी है वैसे बना सकते हो। मैंने इसमें ऑयल लिया है, अब मैं इसमें ऐड करूंगी राई, जीरा, कड़ी पत्ता, थोड़ा दूर हटना पड़ेगा शौर जी आपको, तेल में ऐड किया है, अभी मैं इसमें ऐड करूंगी कड़ी पत्ता, धनिया पाउडर, तेल में ही सारे मसाले ऐड करने हैं, थोड़ा सा गरम मसाला, ऐड करूंगी जीरा पाउडर 1 चम्मच, और लाल मिर्ची पाउडर, मेरे पास इतनी बची है, मैंने पूरी डाल दी, खत्म हो गई लाल मिर्ची पाउडर लेके आने का। और अब मैं इसमें थोड़ा सा मिक्स करूंगी इसको, और फिर ये आलू ऐड करूंगी।
देखो मैंने हल्दी भूल गई, हल्दी भी इस पे डाल सकते हैं, वैसे भी हमको आलू फ्राई करने का है तो साइड से हल्दी भी ऐड कर देते हैं थोड़ी सी। इसको अच्छे से भून लेना है, मसाला कच्चा पन मसाले का चला जाने तक अच्छे से इसे आलू को फ्राई करना है। फिर उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा इमली का पल्प, या फिर आप नींबू ऐड कर सकते हो, थोड़ा सा चाट मसाला, दैट्स इट। आपका चटपटा तेज आलू रेडी, दैट्स इट, 5 मिनट का काम था। और अभी टाइम देख सकते हो, सिर्फ मेरे पास 15 मिनट बाकी है। नमक भी डालना है, नमक नमक भी ऐड करना है। चलो याद तो आया, एटलीस्ट होता है ना, किस किस के साथ ऐसे होता है, गड़बड़ जरूर होता है। कमेंट बॉक्स में कितना भी जल्दी कर लो आप, लेकिन लेट होता ही होता है। बट आज तो मैं बाहर गई थी इसलिए मुझे लेट हो गया, वरना तो ये टाइम तक तो मैं प्लेट्स बनाने लग जाती हूँ। ये इमली का पल्प है, ये थोड़ा सा ऐड करूँ, मैंने गर्म पानी में इसे भिगने रखा था, और इसमें थोड़ा सा जितना आपको खट्टा लगता है उस हिसाब से ऐड कर लीजिए। और इसे 5 मिनट तक पकने देंगे और फिर गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे। और इसमें थोड़ा गार्निश करने के लिए कोथमीर डालेंगे, देखिए प्लेट्स भी आने लग गई, मैं थोड़ी सी हरा धनिया कोथमीर ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। चाट मसाला, बहुत ही चटपटा सा आलू रेडी हो जाएगा। अगर आपको और स्पाइसी चाहिए तो आप रेड चिली पाउडर ऐड कर सकते हैं। बन गया है हमारा तेज आलू। आलू शौजी ने बाहर से भेल लेकर आए थे तो वो बना देती हूँ। तो आज भेल और आलू और थोड़े से फ्रूट्स मैं दूंगी प्लेट में, ये थोड़ी सी तेज चटनी। तो खुल नहीं रही है आज, कुछ नहीं हो रहा शौजी, देख रहे हो मेरा स्ट्रगल, इसे कहते हैं असली स्ट्रगल। कुछ तो बोलो, आप क्यों शांत बैठे हैं? देख रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है हाँ? सिर्फ एक दिन तुम लोग गए बाहर, क्या तो तुम लोग की ये हाल है, सोचो हम लोग कैसा करते हैं फिर। लेकिन मुझे घर का भी बाहर का भी नहीं आएगा, दोनों थोड़ी एडजस्ट। हम लोग कैसे करते फिर? तो हमारी भेल बन गई है, अब मैं फटाफट प्लेट्स बनाती हूं। चलो फटाफट दे दो। कुछ ज्यादा ही गड़बड़ कर रहे ले, कोई बात नहीं, अभी है और 5 मिनट में से जाके आई ना, मेरे से कुछ नहीं सुधरता यार, धूप बहुत डेंजर है। मेरे से नहीं होता, आपने ऐसी आदत लगा है कि बाहर का आप करते घर का मैं करती हूँ, तो मुझे वो आदत लगने में टाइम लगेगा। शौर्जी आज खुश रहेंगे ना, कुछ नहीं मिला तो चलेगा, आज आलू मिल रहे मुझे है ना। हाँ तो मेरा तो हो गया इफ्तारी, अभी तुम लोग का देखो। हम लोग को भी बस हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा कुछ नहीं रहता, नहीं भी बनाए ना तो घर में बहुत सारी चीजें अल्लाह बरकत दे देता है ना। गुड गुड, चलो हो गया, सबकी प्लेट्स हो गई, अब अपनी प्लेटिंग करते हैं, अभी दस्तरखान बिछाती हूँ। तो फाइनली मैं बैठ चुकी हूँ सुकून से, मुझे ना गड़बड़ का काम है ना मेरे साथ नहीं हो सकता, मतलब मैं बाहर का भी मैनेज नहीं कर सकती, घर का भी मैनेज, दोनों साइड से मैनेज नहीं कर पाती। फिर भी मैं कोशिश अभी वही करने वाली कि मुझे अभी थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा, वरना मैं ऐसे पैनिक हो जाती हूँ बहुत जल्दी, देखिए पसीना भी आ गया मुझे। ठीक है चलो अभी दुआ पढ़ते और इफ्तारी करते हैं। या अल्लाह हमारी जबान पर कलमे तैयबा हमेशा जारी रखो, या अल्लाह हमें कामिल ईमान नसीब फरमा और पूरी हिदायत अता फरमा, या अल्लाह हमें पूरी रमजान की नियामतें अनवर व बरकत से मालामाल फरमा। इन्नी लका संतो व बिका मंतो व अलैका तवक्कलतो व अला रिज़्किका अबतरतो फतकब्बल मिन्नी। या अल्लाह हमारा रोजा कबूल फरमा। तो शौर्जी ने हमारी भी प्लेट ले ली आलू की, 2 दिन की कसर पूरी कर दी, 2 दिन मैंने आलू नहीं बनाई थी ना। आज जैसा लग रहा रहेगा ना आपको इफ्तारी की है ना, आज इफ्तारी का ऐसा लग रहा है क्योंकि मेरे को बिना आलू के ना मेरी इफ्तारी होती नहीं है, जैसे मेरी सहेली बिना मलाई के होती नहीं है ना वैसे मेरी इफ्तारी बिना आलू के नहीं होती है यार। क्या मतलब बड़े लोगों की बड़े बड़े चोचले, हमको देखो हमको कुछ भी देखो, बचपन से आदत है ना बेटा, तो क्या करेंगे, नहीं तो बचपन की आदत बोलते ना।
तो आप लोग भी जरूर ट्राई करना ये गड़बड़ वाला आलू, इसको बोलते हैं गड़बड़ वाला आलू, जरूर ट्राई करना और बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको भी ऐसे पसंद आ गया कि नहीं जैसे शौर जी को पसंद आया है। ये वो 30 दुआ है जो इफ्तार में हम लोग पढ़ते हैं और बहुत लोगों ने ये मांगा था, इसलिए मैं अभी अटैच कर रही हूँ और ब्लॉग एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। स्टे ब्लेस्ड एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।